विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मैं बानी। बेटा राम देख रहे हो ऋषि मिथिला समाज में बैठे बैठे कि देश देशांतर से वीरों का आगमन हुआ। उन वीरों में कुछ वीरों के द्वारा इस धनुष पर शक्ति परीक्षण किया गया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। क्यों सफलता हाथ नहीं लगी? क्योंकि अभी तक इनका समय पूर्ण नहीं था। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं होता। कुछ ऐसे भी वीर इस मिथिला समाज में पधारे जो मौखिक वीरता का प्रदर्शन कर इस मिथिला समाज को छोड़कर चले गए। रावण बाणासुर जैसे वीर योद्धा भी इस मिथिला समाज में आए और मौखिक वीरता का प्रदर्शन कर चले गए। लक्ष्मण के द्वारा भी इस मिथिला समाज को अपनी वीरता सुना दी गई कि कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ। सिद्धांत कहता है व्यक्ति किसी भी समाज में जाए तो अपनी वीरता को सुनावे नहीं, आवश्यकता पड़े तो वीरता को दिखावे। तो चाहता ये हो कि लक्ष्मण के द्वारा यदि इस मिथिला समाज को वीरता सुनाई गई तो तुम्हारे द्वारा इस मिथिला समाज को वीरता दिखाई जाए। किस रूप में? उठौ राम भंजौ भौचापा मेटौ तात जनक परितापा। उठो और भगवान शंकर के धनुष का खंडन करके इस मिथिला समाज को अपनी वीरता का परिचय दो। लखन लख्यु रघुवंश मनि ताक्यो हर को दंड पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। तिस कुंजरव कमट अहि कोला धरव धर निधरि धीर न डोला राम चहि शंकर धनु तोरा हो सजग सुन आये सुमोरा। देखी विपुल भगवान श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। देखी विपुल विकल वैदे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो सिया हो।
त्याग प्रभु दो चाप खंड मही डारे देखी लोग सब भय सुखारे सतानंद तब आय सुदीना सीता गवन राम पहकी ले ले जय
चतुर सखी लग कहा बुझाजी पहिरा बहु जयमाल सुहाजी। हेलो प्रभु, थोड़ा झुक जाए, झुक जाए, नहीं झुकोगे जब तक न झुकोगे राम पिया के नाल वाले करबाल उठाई प्रेमी विगत पैदाई जाई सोहत जन जग कलश सराल उसी समेत देख जय माला आवे छवियो लोक से तेजे वाली रापुर में अकबर उर जय माल देख देव बरसे सुमन सत्य सकल भुवाल जन विलोक रवि कुमत गले। आरती करत जनक करी जोरे बड़े भाग्य आए प्रभु मोरे। नीरज द्विवेदी मंच पर आवे। नीरज जी हेलो हेलो, सभी लोग एक बार फिर से घोष करी बोली सिया बर रामचंद्र की। हेलो हेलो, हाँ 20 रुपए पंकज सजान रंजीतपुर, 20 रुपए मानु कानाखेड़ा, 20 रुपए मुन्ना शुक्ला राम जी को प्रदान कर रहे हैं, 20 रुपए मुन्ना शुक्ला व्यास जी को प्रदान कर रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद। आरती श्री राम जू की मंगला करी। आरती श्री राम जू की मंगला करी, मंगला करी, मंगला करी। आरती श्री राम छावर वित विसारी, नाच ही गावै विदुत बदूती, बार बार कुसुमांजलि छूटी। उपस्थित भक्त समाज, अभी तक सभी लोग केवल श्री राम जी के नाम का जय घोष कर रहे थे, अब हमारे प्रभु श्री राम जी के साथ में माता जानकी भी विराजमान है।
तो सभी लोग जय घोष करें, बोलिए सियापति रामचंद्र की। इधर व्यास जी के द्वारा संकेत मिला, करें आरती पुर नर नारी। तो जिस समय भगवान श्री राम जी ने मिथिला समाज में धनुष का खंडन किया, सभी के द्वारा पुष्प वर्षा की गई, सभी के द्वारा माता जानकी और श्री राम जी के नाम का जय घोष किया गया, लेकिन इधर व्यास जी ने संकेत दे दिया करें आरती पुर नर नारी। तो जितने भी नगर के नर और नारी हैं उपस्थित, सभी लोग बारी बारी से आए और माता जानकी श्री राम की पावन आरती उतारे। और इधर सखियों के द्वारा प्रस्तुत है मंगल गीत। हेलो चले हमारे इस आयोजन के आयोजक। ये जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार चाहेंगे समेत के जितने भी लोग हैं आरती करें आकर के, या जो भी समाज से करना चाहे माता जी और सीता जी की और प्रभु राम की। और ये सखियां आपको मधुर मधुर गीत सुना रही हैं, इसका भी आनंद लें। लेकिन अभी तक इस आयोजन के आयोजकों में कोई भी आरती करने के लिए नहीं आया। देखिए मैंने बता दिया है कि धन की बाध्यता नहीं है, केवल स्थल की बाध्यता है कि स्थल की पूर्ति हो जाए। लेकिन चलो हमारे तिवारी जी आए और स्थल की पूर्ति करने हेतु माता जानकी और श्री राम की पावन आरती उतार रहे हैं। कुछ वादों से कुछ कसमों से, कुछ
हर बार